अगर आप भी फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है क्योंकि इस लेक्चर में आज हम आप सभी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फिफ्टी से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में अब ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस लेक्चर में आज हम 50 से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को आप सभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट और हैंड रिटन फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इसी चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स को बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस फाइव फाइव ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी अब इस क्वेश्चन में हमें माइक्रोबायोलॉजी की डिफाइन देनी है कि माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच इज़ लेस देन वन माइक्रोन विच वी कैनॉट सी विद नेग्ड आइज अब ये लाइन क्या कहती है कि माइक्रोबायोलॉजी जो है एक ब्रांच होती है साइंस की जिसमें हम स्टडी करते हैं स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अब स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं ठीक है और इनका साइज़ जो होता है वो वन माइक्रोन से भी छोटा होता है तो उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी में अब इसमें हमारे एग्जांपल्स के तौर पे आ जाता है जैसे वायरस हो गया बैक्टीरिया हो गया फंजाई हो गया तो इन सब की स्टडी करते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रोबिल स्पोलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अब इस क्वेश्चन में हमें फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करना है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारा माइक्रोबिल स्पॉयलेज को अफेक्ट करते हैं अब यहाँ पे हम फैक्टर्स के बारे में जानने से पहले माइक्रोबिल स्पॉलिज के बारे में जान लेते हैं कि माइक्रोबिल स्पॉलिज होता क्या है जब हमें माइक्रोबिल स्पॉलेज पता होगा तभी तो हम फैक्टर्स को याद रख पाएंगे चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोबिल स्पॉलेज की चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ड्यू टू कॉन्टामिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कॉन्टेमिनेशन की वजह से अगर हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है तो उसे हम कहेंगे माइक्रोबियल स्पॉलेज नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो हमारे माइक्रोबिल स्पॉइलेज को अफेक्ट करते हैं इसमें हमारा पहला आ जाता है न्यूट्रिशनल फैक्टर सेकेंड आता है हमारा वाटर थर्ड आता है हमारा टेम्परेचर और फोर्थ आता है हमारा पी और फिफ्थ आता है हमारा ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी तो ये पांच फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारा मेजरली अफेक्ट करते हैं माइक्रोबिल स्पॉइलेज को नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफ्रेंशियट बिटवीन प्रोकेरियोर्स एंड यू इन टू मेन एस्पेक्ट्स यहाँ हमें जो दो मेन के बेस पे प्रोकेर और यू को डिफ्रेंशियेट करना है तो यहाँ पे हमारा प्रोकैरियो हमारे यूनो सेल्यूलर होते हैं वहीं अगर हम बात करें यू की तो ये जो हमारे मल्टी सेल्यूलर होते हैं तो यहाँ पे हमने सेल्स के बेस पे इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दी वहीं अगर हम बात करें प्रोकेरियोर्ड्स की तो प्रोकेरियोड का जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो हमारा अनडेवेवलप्ड होता है वहीं अगर हम बात करें यू की तो यू का जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो हमारे डेवलप्ड होता है तो यहाँ पे हमने जो है के बेस पे और यहाँ पे हम डिफ्रेंशियट कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहां पे हमें बताना है कि एलेक्डर फ्लैमिंग का क्या कॉन्ट्रीब्यून रहा माइक्रोबायोलॉजी में तो हमारा अलेक्जेंडर फ्लैमिंग जो थे उन्होंने जो है सबसे पहले जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक गई थी जिसका नाम था पेनिसिलिन कहां से डिस्कवर करी थी इन्होंने जो है हमारे पेनिसिलिन को आइसोलेट करा था फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम से तो ये जो हमारी इनकी बहुत ही बड़ी जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था माइक्रोबायोलॉजी में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हाउ विल यू डिफाइन पास्चराइजेशन इस क्वेश्चन में हमें जो है पास्राइजेशन टर्म को डिफाइन करना है कि पास्चराइजेशन होती क्या है इट इज पार्शियल स्टेलाइजेशन डेट डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सर्टन फूड एंड बेवरेज अब यहाँ पे हमारा क्या होता है कुछ फूड्स और बेवरेज होते हैं जिनमें हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो की हमारी बॉडी में एंटर करके हमें जो है बीमार कर सकते हैं या डिजीज कॉज कर सकते हैं तो उन फूड्स को जो है हमें पार्शियल स्टेलाइजेशन करना पड़ता है किस प्रोसेस से हम करते हैं जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर मिल्क ले लिया है तो मिल्क के अंदर हमारे जो है कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें बीमार कर सकते हैं तो इस वजह से हम जो मिल्क को पहले जो है उनको बॉइल करते हैं हाफ एन आवर या वन आवर उसको जो है बॉइल करेंगे

एरिया वेयर स्टेलाइज प्रिपरेशन इज कैरिड आउट एंड एंट्री इज एयर लॉक्ड ये वो एरिया होता है जहां पर हम जो है स्टरलाइज प्रिपरेशन को बनाते हैं और यहाँ पे हमारा एंट्री जो है वो हमारी एयर लॉक्ड होती है नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्लीन एरिया की क्लीन एरिया क्या होता है ए क्लोज्ड एरिया वेर एयरबोन पार्टिकल्स इज कंट्रोल्ड बाय यूज ऑफ हेपा फिल्टर्स बेसिकली हमारा क्लीन एरिया जो है क्लोज्ड एरिया होता है जहां पे हम जो है एयरबोन पार्टिकल्स को कंट्रोल करके रखते हैं विद द हेल्प ऑफ हेपा फिल्टर्स बेसिकली अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे तो एसेप्टिक एरिया वो एरिया होता है जहां पे जो एनवायरमेंट होता है वो हमारा माइक्रोब्स फ्री होता है मतलब वहां पे कोई भी पैथोजेनिक माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं होगा उस एरिया को हम जो है एसेप्टिक एरिया कहेंगे वहीं अगर हम बात करें क्लीन एरिया की तो क्लीन एरिया इन द सेंस हम जो है पार्टिकल्स के बेस पे कह रहे हैं आप जो है क्लीन एरिया और एसेप्टिक एरिया को इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि जैसे आपके पास ये कोई सर्फेस है अब इस सर्फेस पर जो है बहुत सारी मिट्टी पड़ी है मतलब धूल जमी हुई है अगर आप इसको जो है सूखे कपड़े से साफ कर दोगे तो इसकी जो धूल है वो हमारी रिमूव हो जाएगी वो हमारा आ जाएगा क्लीन एरिया में बट अगर आप इसको सूखे कपड़े से साफ करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके जो सर्फेस पे माइक्रोब्स प्रेजेंट है वो भी हमारे हट जाएंगे इसके सर्फेस पर हमारे माइक्रोब्स अभी भी प्रेजेंट होंगे अगर आपको वो माइक्रोब्स हैं तो उसके लिए आपको जो है different, different करने पड़ेंगे जैसे आपका हो गया, हो गया सोडियम हाइपोक्लोराइड हो गया तो ये सब जो हैं, उसको हम यूज होता, होता है तो वो जो हमारे डिस इनफेक्टेंट हो जाता है अगर आप इसको डिस इनफेक्ट के थ्रू अगर आप क्लीन करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा एसेप्टिक एरिया में क्योंकि डिस के थ्रू हमारे जो है जितने भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे वो किल हो जाएंगे और वो किल होने के बाद जो हमारा एरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो जो हमारा सरफ़ेस एसेप्टिक सरफ़ेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो हमारा आ जाता है कैप्सूल थर्ड लेयर आती है हमारी सेल तो हमारी तीन लेयर्स होती हैं फिर आ जाता है हमारा न्यूक्लियोइड फिर आता हमारा राइबोज इस तरीके से हमारे राइबोजम प्रेजेंट होते हैं अंदर और ये हमारा एक है जो की हमारा मूवमेंट या फिर लोकोमोशन में हेल्प करता है तो इस तरीके से हमारा जो है बैक्टीरियल सेल का डायग्राम होता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईस्ट एंड मॉल्स यहाँ पे हमें जो है डिफरेंस बताना है ईस्ट और मॉल्स में यहाँ पे हम बात करते हैं ईस्ट की ईस्ट जो है वो हमारा सिंगल ओवल सेल्स होता है जो कि हमारा बॉडिंग की हेल्प से रिप्रोड्यूस होते हैं नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मॉल्स की मॉल्स जो है वो हमारा मल्टी सेलुलर फिलामेंट्स होती है जो कि स्पोर्ट्स के थ्रू हमारा रिप्रोड्यूस होती है तो ये हमारा मेन डिफरेंस होता है ईस्ट और मॉल्स में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन लिस्ट वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई यहाँ पे हमारे कुछ मेथड्स है जिनके थ्रू हमारा जो फंजाई होता है वो हमारा वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस होता है यहाँ पे हमारा फर्स्ट आता है अथ्रो स्पोर्ट्स सेकेंड आता हमारा ब्लास्टो स्पोर्ट्स और थर्ड आता हमारा क्लामाइडो स्पोर्ट्स तो ये हमारे तीन मेथड्स है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन स्ट्राइजेशन यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में स्टेलाइजेशन टर्म को डिफाइन करना है कि होता क्या है रिमूवल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेजम एंड देयर स्पोर्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मतलब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके सर्फेस से हमारा जो है सभी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके स्पोर्स को किल करना या फिर उनको रिमूव करना उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टेलाइजेशन जैसा आपने जो है ऑटोक्लेविंग करी होगी तो ऑटोक्लेविंग क्या होती है उसके थ्रू हम जो है स्टलाइजेशन करते हैं ऑटोक् में हम जो है उसकी लीड्स को ओपन करते हैं और जिन भी ऑब्जेक्ट को हमें जो है स्टेलाइज करना है उसको ऑटोक्लेव के अंदर रख के उसको जो है ऑन कर देते हैं तो उस तरीके से हम जो है इजिली स्टेलाइजेशन कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वट डू यू अंडरस्टैंड बाय आई टेस्ट इस क्वेश्चन में हमें जो है आई टेस्ट के बारे में लिखना है सम बैक्टीरिया नॉट आइडेंटिफाई थ्रू स्टेनिंग फॉर दिस वी परफॉर्म सम केमिकल एग्जामिनेशन बाय आई टेस्ट बेसिकली इसमें क्या है हमारे कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो हमारे स्ट्रेनिंग के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं तो उन बैक्टीरियाज के लिए हम जो है यूज करते हैं केमिकल एग्जामिनेशन जिसमें हमारा आ जाता है आईएमवीआईसी टेस्ट हमारा बेसिकली आईएमवीआईसी टेस्ट में हमारे जो है, चार तरीके के टेस्ट आ जाते हैं जिसमें हमारा आई जो है वो हमारा सेंड करता है इंडोल टेस्ट के लिए एम जो है वो हमारा स्टैंड करता है मिथाइल रेड टेस्ट के लिए वी जो है वो हमारा स्टैंड करता है वोगस टेस्ट के लिए और सी जो है वो हमारा स्टैंड करता है सिट्रेट यूटिलाइजिंग टेस्ट के लिए तो ये हमारे चार टेस्ट होते हैं जिनके थ्रू हम जो है किसी भी बैक्टीरिया को इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंग्लिश डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिन कॉफिशन टेस्ट इस क्वेश्चन में हमें जो है डिफरेंट तरीके के हमें जो फिनोल कॉफिजेंट टेस्ट के बारे में लिखना है इसमें हमारा फर्स्ट आता है रेडियल वॉकर टेस्ट और सेकंड आता है हमारा चिक मार्टिन टेस्ट तो ये दोनों टेस्ट जो है वो हमारे टेस्ट के अंडर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन एंटीसेप्टिक एंड डिस इस क्वेश्चन में हमें जो है एंटीसेप्टिक और डिस की डिफाइन दे दी है चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डिस की डिस इंफेक्टेंट इज द केमिकल सबस्टांस विच इज यूज टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन नॉन लिविंग सरफेस डिसइनफेक्टेंट जो होता है वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको हम यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए किल करने के लिए पर यहाँ पे आपको ये बात का ध्यान रखना है कि डिसइनफेक्टेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम नॉन लिविंग सरफ़ेस पे हम यूज़ करते हैं ठीक है नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एंटीसेप्टिक की एंटीसेप्टिक इज़ अ केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेजम ऑन लिविंग सरफेस यहाँ पे हम एंटीसेप्टिक की बात करते हैं तो एंटीसेप्टिक भी हमारा एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको हम यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए बट यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एंटीसेप्टिक जो है वो हम लिविंग सर्फेस के ऊपर यूज़ करते हैं लिविंग सर्फेस के ऊपर जो भी माइक्रो ऑर्गेजम्स प्रेजेंट होंगे उनको किल करने के लिए हम जो है एंटीसेप्टिक का यूज़ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफ्रेंशिएट माइक्रोबिल स्पॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यहाँ पे हमें क्या करना है जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में होने वाली माइक्रोबिल स्पॉलेज को डिफ्रेंशिएट करना है ठीक है यहाँ पे हमने माइक्रोबिल स्पॉलेज को तीन क्लासेस में डिफरेंशिएट है फर्स्ट आता है हमारा पैथोजेनिक कॉन्टामिनेशन सेकेंड आता है हमारा फिजिको केमिकल स्पॉलेज और थर्ड आता है हमारा ऑब्जर्वेबल स्पॉलेज तो ये तीन क्लासेज होती हैं जिनके थ्रू हम जो है ईजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं माइक्रोबिल स्पॉलेज को नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन माइक्रोबियल ऐसे विद टू एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में हमें जो माइक्रोबियल ऐसे की डिफाइन देनी है कि माइक्रोबियल ऐसे होता क्या है और फिर उसके जो हमें दो एग्जाम्पल लिखने हैं। चलिए देखते हैं माइक्रोबियल ऐसे के बारे में माइक्रोबियल ऐसे इज अ डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंसी ऑफ ड्रग विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स यहां सिंपली क्या होता है कि माइक्रोबियल ऐसे एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम जो है किसी भी ड्रग की पोटेंसी को चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स ठीक है उससे हम कहते हैं माइक्रोबियल ऐसे अब यहां पर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तो हमने यहाँ पे देखा था ऐसे ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व लेक्टो

अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं डिसइंफेक्टेंट की डिसइंफेक्टेंट होता क्या है डिसइंफेक्टेंट इज़ अ सब्सटेंस यूज टू किल बैक्टीरिया एंड इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग बेसिकली डिसइंफेक्टेंट जो है एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको हम जो है बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम यूज़ करते हैं और ये जो है तो हमारा बहुत सारी क्लीनिंग पपज़ के लिए भी यूज़ कर रहा है बेसिकली कोविड के टाइम पर हमने डिसइंफेक्टेंट का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करा है तो आप सब इसके बारे में जानते ही होंगे ठीक है इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे एग्जाम्पल्स में आ जाता है हाइड्रोजन पैरॉक्साइड एल्कोहल क्लोरीन फिनॉल या फिर हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड तो ये सब जो हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं डिसइंफेक्टेंट के नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिस्ट द डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक्स यहाँ पे हमें जो डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक्स लिखनी है इसमें हमारा फर्स्ट आता है सिंपल स्ट्रेनिंग सेकंड आता है हमारा ग्राम स्टेनिंग और थर्ड आता है हमारा एसिड फास्ट स्टेनिंग जिसको हम नील जेल्सन स्टेनिंग के नाम से भी जानते हैं तो इन तीनों टेक्निक्स को हमने जो है बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट और फ्लो चार्ट की हेल्प से समझाया अगर आपको वो लेक्चर्स अटेंड करने हैं तो आप इजिली हमारी फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाके इन सभी स्टेनिंग टेक्निक्स को अच्छे से याद कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफेंशिएट बैक्टीरियो सीडल एंड बैक्टीरियो स्टैटिक यहाँ पर हमें जो बैक्टीरियो सीडल और बैक्टीरियो स्टैटिक में डिफरेंस बताना है सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरियो सीडल की एंटीबायोटिक्स वे किल दा बैक्टीरिया ये वो एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि हमारे बैक्टीरिया को पूरी तरीके से किल कर देते हैं उन्हें हम कहते हैं बैक्टीरियोसिडल नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक की बैक्टीरियोस्टैटिक्स एंटीबायोटिक्स विच सप्रेस द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ये वो एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि हमारी बैक्टीरियल ग्रोथ को सप्रेस कर देते हैं ठीक है यही हमारा मेजर डिफरेंस होता है बैक्टीरियर सीडियल में और बैक्टीरियो स्टैटिक में बैक्टीरियो सीडल जो होते हैं वो हमारे किल कर देते हैं बैक्टीरिया को बट हमारे बैक्टीरियरियर स्टैटिक जो होते हैं वो जो हमारा सिर्फ बैक्टीरियल ग्रोथ को सप्रेस करते हैं मतलब बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसको रोकते हैं वो किल नहीं करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन एसेप्टिक एरिया यहाँ पर हमें जो असेप्टिक एरिया की डिफाइन देनी है कि एसेप्टिक एरिया होता क्या है अस्पेसिफिक एरिया विद द इंटेंशन ऑफ द माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बेसिकली एसेप्टिक एरिया एक स्पेसिफिक एरिया होता है जिसको हम जो है स्पेशली डिजाइन करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए ताकि हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है वो हमारा माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन से बच सके ठीक है तो उस एरिया को इसलिए हम जो है डिजाइन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन माइक्रोबेल कॉन्टामिनेशन इस क्वेश्चन में हमें जो माइक्रोबेल कॉन्टामिनेशन के बारे में समझना है कि माइक्रोबेल कॉन्टामिनेशन होता क्या है एक्सीडेंटल इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शियस मटीरियल लाइक बैक्टीरिया ईस्ट फनजाई वायरस प्रोटोसो एंड अब यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है कि आपने कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाया जैसे आपने कोई भी आई ड्रॉप बनाया आई ड्रॉप बनाने के बाद उसमें जो है कोई भी माइक्रोब जो है उसमें एंटर हो चुका है अब वो जो हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमारा माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेटेड हो जाएगा क्योंकि हमारा वो जो जब भी हम आई ड्रॉप जो है वो हमारी बॉडी में यूज़ करेंगे हमारी आईज में डालेंगे तो वो जो हमारा माइक्रोब जो है वो हमारे आई के अंदर जाके वहाँ पर हमारा जो डिजीज़ या फिर इफेक्शन कॉज करवा सकता है तो इस वजह से हम जो है इसको माइक्रोबेल कॉन्टैमिनेटेड कहेंगे अब जो भी प्रोडक्ट हमारा जो है माइक्रोबेल कॉन्टेमिनेटेडेड होगा उसको हम जो है यूज़ नहीं करेंगे ठीक है अब इसमें कौन कौन

फॉर टॉक्सिसिटी स्टडी कोई भी हमने दवाई बनाई उसकी टॉक्सिसिटी स्टडी के लिए भी हम जो है सेल कल्चर का यूज़ करते हैं एंड कैंसर रिसर्च और हमारा कैंसर रिसर्च के लिए भी हम जो है सेल कल्चर का यूज़ करते हैं तो ये हमारी जो, जो जाती है एप्लीकेशन जो आती हैं सेल कल्चर्स की नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ईस्ट एंड मॉल्स यहाँ पे हमें जो है ईस्ट और मॉल्स में डिफरेंस बताना है सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट की ईस्ट जो होते हैं वो हमारे यूनिसेलुलर होते हैं वहीं अगर हम बात करें मॉल्स की मॉल्स जो होते हैं वो हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इनकी शेप की तो हमारा ईस्ट जो होता है वो हमारा ओवल शेप का होता है वहीं अगर हम बात करें मोल्ड्स की मोल्ड जो होता है वो हमारा थ्रेड लाइक -like शेप का होता है नेक्स्ट अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ईस्ट के एग्जाम्पल्स में आ जाता है हमारा कैंडिडा और हमारा मोल्ड्स के एग्जाम्पल में आ जाता है हमारा म्यूकर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफ्रेंशियट बिटवीन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इस क्वेश्चन में हमें जो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में डिफरेंस बताना है चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेजम्स एसोसिएटेड विद द मैनुफेक्चरिंग ऑफ द फार्मासूटिकल्स बेसिकली फार्मासूटिकल माइक्रो बायोलॉजी क्या होता है इसमें हम जो है उन माइक्रो ऑर्गेजम्स की स्टडी करते हैं जो कि हमारा फार्मासुटिकल प्रोडक्ट की मैनुफैक्चरिंग में यूज होते हैं या फिर उनसे एसोसिएटेड होते हैं ठीक है तो उन माइक्रो ऑर्गेजम्स की स्टडी को हम फार्मासूटिकल माइक्रोबाइलॉजी कहते हैं नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेडिकल माइक्रो बायोलॉजी की मेडिकल माइक्रो बायोलॉजी क्या होता है द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स दट इन्फैक्ट ह्यूमनस एंड डिजीज़ दे कोर्स देर डायग्नोसिस प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट अब यहाँ पे हम बात करें मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम उन माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं जो कि ह्यूमन बींग को इन्फेक्ट करते हैं या फिर हमारा जो है डिजीज़ कॉज करवाते हैं डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं प्रिवेंशन करते हैं या फिर किसी और डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं तो उन माइक्रोब्स की स्टडी को हम जो है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इस क्वेश्चन में हमें जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बताना है चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की प्रोकैरियोटिक सेल में हमारा न्यूक्लियस जो हमारा एबसेंट होता है वहीं अगर हम बात करें यूकेरियोटिक सेल की यूकेरोटिक सेल में हमारा न्यूक्लियस जो हमारा प्रेजेंट होता है वहीं अगर हम बात करें प्रोकेरियोटिक सेल की प्रोकेरियोटिक सेल में हमारा मैम्बरन बाउंड ऑर्गेलिज एबसेंट होती है वहीं अगर हम बात करें यूकेरोटिक सेल की यू सेल में हमारा मैम्रिन बाउंड ऑर्गेनिज जो है वो हमारी प्रेजेंट होती है तो ये हमारा मेजर डिफरेंस हो जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में और यू कैरियोटिक सेल में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ डू यू डिफाइन सेल कल्चर इस क्वेश्चन में हमें जो है सेल कल्चर की डिफाइन देनी है द ग्रोथ ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल इन आर्टिफिशियल कंडीशन बेसिकली सेल कल्चर है क्या सेल कल्चर में हम जो है एनिमल या फिर प्लांट सेल की जो है ग्रोथ करवाते हैं आर्टिफिशियल कंडीशन को मेंटेन करके ठीक है तो उसे हम कहते हैं सेल कल्चर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट एनी फोर नेम्स ऑफ इक्विपमेंट्स यूज फॉर स्टेलेशन बेसिकली यहाँ पे हमें जो चार इक्विपमेंट्स के नाम बताने हैं जो कि हमारे स्टेलाइजेशन प्रोसेस में यूज़ करे जाते हैं ठीक है इसमें हमारा आ जाता है होटे ओवन ऑटोक्लेव यू वी चैम्बर और बर्नर बर्नर क्या है हमारा ये जो हमारा गैस बर्नर होता है जो कि हम यूज़ करते हैं जो हमारा पिंस वगैरह होती है उनको स्टेलाइज करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं तो ये हमारे चार इक्विपमेंट्स हो गए हैं जिनको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं स्टेलाइजेशन प्रोसेस के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव द कंट्रीब्यूशन ऑफ लुस पास्चर इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इस क्वेश्चन में हमें जो है लुइस सर के कंट्रीब्यूशंस के बारे में डिस्कस करना है जो कि उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में करे हैं इसमें हमारा आ जाता है ही डिस्कवर दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज फर्मेंटेशन एंड डिजीज़ इन्होंने जो है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर करा था जो कि हमारा फर्मेंटेशन कॉज करवा रहे थे या फिर डिजीज़ कॉज करवा रहे थे ठीक है द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन और इन्होंने जो है प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन को भी डिस्कवर करा था एंड डेवलप वैक्सीन अगेंस्ट एंथरेक्स एंड रैबिस और इन्होंने जो है वैक्सीन डेवलप करी थी एंथ्रैक्स और रेबिस के अगेंस्ट में ठीक है तो इन्होंने इतने सारे हमारे जो है कॉन्ट्रीब्यूशन करे हैं माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन लिश द टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी। इस क्वेश्चन में हमें जो है माइक्रोस्कोपी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नेम लिखने हैं इसमें हमारा आ जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी और सिंपल माइक्रोस्कोपी तो ये हमारे कुछ माइक्रोस्कोपी के टाइप्स होते हैं जो कि हमारे माइक्रोबायोलॉजी में हमने स्टडी करे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन मैकेनिकल स्टेलाइजेशन विद एग्जांपल इस क्वेश्चन में हमें जो मैकेनिकल स्टलाइजेशन के बारे में बताना है और उसके एग्जांपल्स भी बताने हैं चलिए बात करते हैं मैकेनिकल स्टेलाइजेशन की मैकेनिकल स्टर्लाइजेशन इज बेस्ड ऑन द फिल्ट्रेशन प्रोसेस हमारा ये मैकेनिकल स्टेलाइजेशन जो होता है वो हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर बेस्ड होता है इसमें होता क्या है सोल्यूशन इज़ पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रोफ फिल्टर देन बैक्टीरिया इज रिमूव फ्रॉम द सोल्यूशन इसमें हम क्या करते हैं सिंपली हमारे इसमें प्रोसेस होती है जो हमारा सोल्यूशन होता है उसको हम पास करवाएंगे बैक्टीरिया प्रो फिल्टर से और हमारा जो बैक्टीरिया है वो हमारा सोल्यूशन में से रिमूव आउट हो जाएगा और हमारा सोल्यूशन जो वो हमारा एज अ फिल्ट्रेट हमें मिल जाएगा ठीक है उसमें हमारा एक भी बैक्टीरिया जो हमारा प्रेजेंट नहीं होगा नेक्स्ट अब हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं इसके एग्जांपल्स में आ जाता है हमारा सिड्स फिल्टर एंड मेम्ब्रेन फिल्टर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियो स्टैटिक एंड बैक्टीरियो सीडल इस क्वेश्चन में हमें जो है बैक्टीरियो स्टैटिक और बैक्टीरियो सीडल में डिफरेंस बताना है चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरियो सीडल की बैक्टीरियो सीडल जो है वो एजेंट्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर देते हैं ठीक है थीके? उसे हम कहते हैं बैक्टीरियो सीडल इसमें हमारा एग्जाम्पल आ जाता है सिफेलोस्पोरिन नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक की बैक्टीरियोस्टैटिक वो एजेंट्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस कर देते हैं ठीक है उन एजेंट्स को हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक बात करें इसके एग्जाम्पल्स की इसके एग्जाम्पल्स में आ जाता है हमारा क्लोरम फेनिकॉल नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनोमरेट द सोसेज ऑफ कॉन्टेमिनेशन इन द एसेप्टिक एरिया इस क्वेश्चन में हमें जो है सोर्स बताने हैं कि किन किन सोर्सेज के थ्रू हमारा एसेप्टिक एरिया में कॉन्टेमिनेशन आ सकती है इसमें हमारा आ जाता है रॉ मटेरियल इक्विपमेंट्स प्रोसेस पैकेजिंग मटेरियल ऑपरेटर्स बिल्डिंग पर्सनल क्लिनलीनेस और स्मोकिंग ईटिंग इसमें हमारे बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि हमारा सोर्सेज बन सकते हैं हमारे कॉन्टेमिनेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आउटलाइन द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इस क्वेश्चन में हमें जो है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बताना है चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की प्रोकैरियोटिक सेल्स डोंट पोजेस न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स अब ये पॉइंट क्या कहता है कि हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसके पास जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा अनडेवलप होता है ठीक है वहीं अगर हम बात करें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की तो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो है वो हमारी अपसेंट होती है नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की यूकैरियोटिक सेल्स प्रोसेस मेम्बर बाउंड ऑर्गेनलीज इंक्लूडिंग न्यूक्लियस अब हमारा यूकैरियोटिक सेल्स में हमारा जो मैंब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज होती है वो हमारी प्रेजेंट होती है और हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो भी हमारा कंप्लीटली डेवलप होता है ठीक है तो ये मेजर डिफरेंस होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनलिस्ट इक्विपमेंट्स एम्प्लॉयड इन लार्ज स्केल स्टिलइजेशन इस क्वेश्चन में हमें जो इक्विपमेंट्स के नाम बताने की कौन कौन से इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं लार्ज स्केल स्टेलाइजेशन प्रोसेस के लिए ठीक है अब यहाँ पे हमारे दो इक्विपमेंट्स आ जाते हैं फर्स्ट आता है हमारा ऑटोक्व और सेकेंड आता है हमारा होटेरा वन तो ये दो इक्विपमेंट्स जब वम यूज़ करते हैं ज़्यादातर लार्ज स्केल स्टेलाइजेशन प्रोसेस के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ बायोलॉजिकल स्टिलिटी इंडिकेटर्स अब इस क्वेश्चन में हमें जो है बायोलॉजिकल स्टिलिटी इंडिकेटर्स के यूजेस के बारे में डिस्कस करना है चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजिकल स्टिलिटी इंडिकेटर्स की कि आखिरकार बायोलॉजिकल स्टिलिटी इंडिकेटर्स होते क्या है इसमें हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके अपनी स्टर्लाइजेशन प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं और बताते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है जिसको हमने स्टर्लाइज करा है वो कंप्लीटली स्टलाइज हुआ है या फिर नहीं ठीक है तो यहाँ पे हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके अपने जो प्रोडक्ट की स्टेलिटी है उसको चेक करते हैं चलिए नेक्स्ट अब हम बायोलॉजिकल स्टेलिटी इंडिकेटर्स के यूज़ के बारे में देख लेते हैं इट इज़ यूज्ड टू चेक द क्वालिटी ऑफ़ द स्टेलाइजेशन अब ये जो तो हमारा स्टेलाइजेशन प्रोसेस की क्वालिटी को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंड मॉनिटरिंग ऑफ द स्टेलाइजेशन प्रोसेस और हमारा जो स्टेलाइजेशन प्रोसेस होती है उसको मॉनिटर करने के लिए हम जो बायोलॉजिकल स्टेलिटी इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इस क्वेश्चन में हमें जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस बताना है चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव की ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो हमारा बीस से अस्सी नैनोमीटर मोटी होती है और इस के दौरान जो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो हमारा पर्पल कलर का दिखता है बात करें इसके एग्जाम्पल्स की तो इसमें हमारा आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकाई ठीक है नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियस की ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियस की जो सेल वॉल होती है वो हमारा पाँच से दस नैनोमीटर मोटी होती है ठीक है बात करें इसके स्टेनिंग प्रोसेस की तो स्टेनिंग प्रोसेस के दौरान हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो हमारा पिंक कलर का दिखता है बात करें इसके एग्जाम्पल्स की तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में हमारे आ जाते हैं एंटेरो तो ये हमारा मेजर डिफरेंस था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज में और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ चिक मार्टिन टेस्ट ओवर द रेडियल वॉकर टेस्ट अब इस क्वेश्चन में हमें जो है चिक मार्टिन टेस्ट की खूबियाँ बतानी है कि, कि किस तरीके से हमारा चिक मार्टिन टेस्ट जो है वो हमारा रेडियल वॉकर टेस्ट से बेटर है ठीक है चिक मार्टिन टेस्ट गिव अ लोअर फिनॉल कॉफिशेंट देन रेडियल वॉकर टेस्ट अब ये पॉइंट क्या कहता है कि हमारा जो चिक मार्टिन टेस्ट है उसका जो फिनॉल कॉफिशियंट होता है वो हमारा कम होता है एज कम्पेयर टू रेडियल वॉकर टेस्ट अब इस क्वेश्चन में आप कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं जैसे चिक मार्टिन टेस्ट जो होता है वो हमारा रैपिड प्रोसेस होती है ठीक है और हमारा चिक मार्टिन टेस्ट की जो सेंसिटिविटी होती है वो भी हमारी ज़्यादा होती है रेडियल वोका टेस्ट के मुकाबले में ठीक है तो ये हमारे एडवांटेजेस हो जाते हैं चिक मार्टिन टेस्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इलस्ट्रेट द मीडिया सुटिबिलिटी टेस्ट एंड ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट इस क्वेश्चन में हमें जो है मीडिया सुटिबिलिटी टेस्ट और ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट के बारे में बताना है चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं मीडिया सुटेबिलिटी टेस्ट की मेथड थ्रू विच वी कैन चेक द मीडिया इज सुटेबल फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ और नॉट बेसिकली ये जो है एक तरीके का मेथड होता है जिसके थ्रू हम चेक करते हैं कि हमारा जो कल्चर मीडिया है वो हमारा सुटेबल है या फिर नहीं है माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए ठीक है अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के माइक्रो माइक्रोर्गेजम्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है अब सभी माइक्रो ऑर्गेजम्स एक तरीके के कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं हो पाते हैं तो हमारा जो कल्चर मीडिया होता है वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट हम यूज़ करते हैं अलग अलग माइक्रो ऑर्गेजम्स को ग्रो कराने के लिए अब जिस कल्चर मीडिया में वो माइक्रो ऑर्गेजम्स ग्रो होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो जो कल्चर मीडिया है वो हमारा सूटेल है उस माइक्रो ऑर्गेजम्स के लिए ठीक है मतलब उसकी ग्रोथ शो हो रही है उस कल्चर मीडिया में तो वो जो हमारा सूटेबल है तो इस तरीके से हम जो कल्चर मीडिया की सूटेबिलिटी टेस्ट भी करते हैं नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट की ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट क्या होता है अ क्वालिटी कंट्रोल रिक्वायरमेंट दैट कंफर्म द एबिलिटी ऑफ कल्चर मीडिया टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट क्या होता है ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट एक तरीके का क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है जिसकी हेल्प से हम कन्फर्म करते हैं कि जो हमने कल्चर मीडिया प्रिपेयर करा है उसके अंदर पावर है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को सपोर्ट प्रोवाइड करने की अब यहाँ पे अगर हम ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट को नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो हमारा ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट जो है वो हमें बताता है कि हमने जो कल्चर मीडिया प्रिपेयर करा है वो हमारा सही है या फिर नहीं है ठीक है अब इसमें होता क्या है कि जैसे हमने कोई भी कल्चर मीडिया बनाया है उसको हम जो है इनोकुलेट करा के उसको इनक्यूबेटर में रख देते हैं सात दिन के लिए और सात दिन के बाद हम उसको ऑब्जर्व करते हैं अगर सात दिन बाद उस कल्चर मीडिया में ग्रोथ शो होगी तो इसका मतलब है कि हमने जो कल्चर मीडिया प्रिपेयर करा था वो हमारा सही था अगर उस कल्चर मीडिया में सात दिन बाद भी ग्रोथ शो नहीं हो रही है इसका मतलब है कि हमने जो कल्चर मीडिया बनाया है वो हमारा गलत है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्लासिफाई क्लीन एरिया इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ इस क्वेश्चन में हमें जो क्लीन एरिया की क्लासिफिकेशन बतानी है चलिए बात करते हैं क्लीन एरिया की क्लासिफिकेशन की क्लीन एरिया क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स एंड साइज ऑफ़ पार्टिकल्स परमिटेड पर वॉल्यूम ऑफ एयर अब यहाँ पे हम क्लीन एरिया की क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हमने क्लीन एरिया को क्लासिफाई करा है उनके पार्टिकल्स के बेस पे कि किस साइज़ के और कितने पार्टिकल्स वहाँ पे प्रेजेंट है उनके अकॉर्डिंग हम जो है क्लीन एरिया को क्लासीफाई करते हैं इट क्लासीफाई अज ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड सी एंड ग्रेड डी तो यहाँ पे हमने क्लीन एरिया को चार ग्रेड्स में डिवाइड कराया फर्स्ट आता है हमारा ग्रेड ए सेकेंड आता है हमारा ग्रेड बी थर्ड आता है हमारा ग्रेड सी और फोर्थ आता है हमारा ग्रेड डी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन लिस्ट वेरियस सोर्सेज ऑफ कॉन्टेमिनेशन इन स्टेराइल एरिया इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि किन किन सोर्स के थ्रू हमारा जो स्टेराइल एरिया में कॉन्टेमिनेशन आ सकती है अब यहाँ पे हमारा पहला आ जाता है रो मटेरियल रो मटेरियल के थ्रू भी किसी भी स्टेराइल एरिया में कॉन्टेमिनेशन आ सकती है सेकेंड आता है हमारा इक्विपमेंट्स एंड यूटेंसिल्स इक्विपमेंट्स और यूटेंसिल्स जो भी हम यूज़ कर रहे हैं स्टेराइल एरिया में उनके थ्रू भी कॉन्टेमिनेशन के चांसेज होते हैं थर्ड आता हमारा प्रोसेस जो भी प्रोसेस हम बना रहे हैं मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस जो हम कर रहे हैं उनके थ्रू भी कॉन्टामिनेशन आ सकती है फोर्थ आता है हमारा पर्सनल हाइजीन अब जितने भी हमारा पर्सनल हाइजीन्स होते हैं जैसे हमारा ईटिंग ड्रिंकिंग हो गया तो ये इन सब के थ्रू भी हमारा जो है स्टेराइल एरिया में कंटेमिनेशन आ सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट आर नॉट ऑन बैक्टीरियल स्पॉयलेज इस क्वेश्चन में हमें बैक्टीरियल स्पॉयलेज के ऊपर एक नोट लिखना है सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरियल स्पॉलेज की कि बैक्टीरियल स्पॉयलेज होता क्या है चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू कॉन्टामिनेशन ऑफ माइक्रोब्स माइक्रोब्स की कॉन्टामिनेशन की वजह से किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की अगर फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं तो उसे हम कहते हैं बैक्टीरियल स्पॉयलेज अब यहाँ पर हमारा माइक्रोब्स के एग्जाम्पल्स में आ जाता है जैसे हमारा बैक्टीरिया हो गया या फिर कोई भी फनजाई हो गया तो उसकी वजह से अगर किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है तो उसे हम कहेंगे बैक्टीरियल स्पॉयलेज नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाई आर आई ड्रॉप्स एडवाइज टू बी यूज और डिस्कार्डेड विद इन थर्टी डेज आफ्टर ओपन अब इस क्वेश्चन में हमें रीज़न बताना है कि क्यों आखिरकार हम आई ड्रॉप्स को एडवाइज़ करते हैं कि उनको हमें जो है ओपन करने के तीस दिन के अंदर अंदर उसे यूज़ करना है और तीस दिन बाद उसे जो है डिस्कार्ड कर देना है अब यहाँ पर हमारा रीज़न आ जाता है बिकॉज द प्रिजर्वेटिव इन साइड कैन स्टार्ट टू ब्रेक डाउन एंड अलाउ बैक्टीरिया टू ग्रो अब यहाँ पे हमारा ये पॉइंट क्या कहता है कि जितने भी हमारे आई ड्रॉप्स होते हैं उनके अंदर प्रिजर्वेटिव पड़ा होता है उनको प्रिजर्व करने के लिए ताकि उसमें कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो ठीक है अभी जो प्रिजर्वेटिव होता है वो जैसे ही हम आई ड्रॉप को ओपन करते हैं तो ये प्रिजर्वेटिव जो है वो हमारे एयर के कॉन्टैक्ट में आता है अब एयर के कॉन्टैक्ट में आने से ये जो हमारा डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है ठीक है अब टाइम के अकॉर्डिंग ये जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा और जैसे ही हमारा प्रिजर्वेटिव ब्रेक डाउन होगा तो वहाँ पर हमारा जो है बैक्टीरियल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी अब बैक्टीरियल ग्रोथ होगी तो मतलब वो जो हमारा आई ड्रॉप है वो हमारा माइक्रोबियल स्पॉइल्ड हो चुका है और अगर हम माइक्रोबेल स्पॉइल्ड आई ड्रॉप्स का यूज़ करते हैं अपनी आइज़ में तो वो हमारी आइज़ में जो है बहुत सारे डिजीजेज़ कॉज करवा सकता है इन्फेक्शन कॉज करवा सकता है जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है ठीक है तो यही रीज़न होता है कि हम अपने आई ड्रॉप्स को जो है ओपन करने के तीस दिन के अंदर उसको यूज़ कर लेते हैं और उसको तीस दिन के बाद उसको जो है फेंक देते हैं डिस्कार्ड कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है? आता है मैंशन एनी टू रिएजेंट्स यूज फॉर एसिड फास्ट अब इस क्वेश्चन में हमें कोई भी दो रिएजेंट्स के नाम लिखने हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एसिड फास्ट ट्रेनिंग में तो एसिड फास्ट ट्रेनिंग में हम कौन कौन से रिएजेंट्स यूज़ कर रहे थे चलिए देख लेते हैं इसमें हमारा फर्स्ट रिएजेंट आता है कार्बल फुसचिन डाई ये जो हम यूज़ करते हैं अज अ डाई सेकेंड आता है हमारा मिथाइलिन ब्लू मिथाइलिन ब्लू जो है वो भी एक तरीके की डाई थी जिसको हम यूज़ कर रहे थे एज अ काउंटर डाई ठीक है आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं जैसे आपको अल्कोहल हो गया उसको भी हम यूज़ करते हैं एसिड फास्ट ट्रेनिंग में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्लासिफाई फिजिकल मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन अब इस क्वेश्चन में हमें फिजिकल मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन को क्लासिफाई करना है अब बात करते हैं फिजिकल मेथड की तो फिजिकल मेथड को हमने दो क्लासेस में डिवाइड करा है पहला है हमारा ड्राई हीट स्टेलाइजेशन इसका एग्जाम्पल आ जाता है हमारा हॉट एयर ओवन और दूसरा है हमारा मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन अब इसमें हमारा एग्जाम्पल आ जाता है ऑटोक्लेव तो इस तरीके से हमने फिजिकल मैथड ऑफ स्टेलाइजेशन को क्लासीफाई करा है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैंशन टाइप्स ऑफ मीडिया यूज़ फॉर कल्टिट्टिशन ऑफ़ फ़नजाई अब इस क्वेश्चन में हमें कल्चर मीडिया के बारे में बताना है कि कौन कौन से कल्चर मीडिया हम यूज़ करते हैं फ़नजाई की कल्टिवेशन के लिए अब यहाँ पे हमने दो मेंशन कर रखे हैं पहला है हमारा ब्रेन हर्ट इन्फ्यूज़न अगार जिसको हम बी के नाम से भी जानते हैं और दूसरा है हमारा सैब्रोड डेक्स्ट्रोस अगार तो ये दो कल्चर मीडिया है जिनको हम यूज़ करते हैं फ़नजाई की कल्टिवेशन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट इन ब्रीफ अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ स्टेलिटी टेस्टिंग अब इस क्वेश्चन में हमें स्टेलिटी टेस्टिंग के प्रिंसिपल के बारे में बताना है स्टेलिटी टेस्टिंग आर इंटेंडेड फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ वायबल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गैनिज्म इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपने कोई भी आईड्रोप बनाया तो आईड्रोप बनाने के बाद अब उसको स्टेलाइज करेंगे तो स्टेलाइज करने के बाद अब आपको कैसे पता कि आपका जो आईड्रोप है वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गैनिज्म है ठीक है तो उसको चेक करने के लिए हम जो है स्टेलिटी टेस्टिंग का यूज़ करते हैं बेसिकली स्टेलिटी टेस्टिंग होता क्या है ये एक तरीके का टेस्ट होता है जो कि हमारा स्टेलाइजेशन प्रोसेस की क्वालिटी को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं ठीक स्टेलिटी टेस्टिंग की हेल्प से हम ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में कितने वायबल माइक्रो ऑर्गैनजम्स प्रेजेंट है तो हम जो वायबल माइक्रो ऑर्गेजिम्स को डिटेक्ट करने के लिए स्टेलिटी टेस्टिंग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वट इज़ द रोल ऑफ अघार इन कल्चर मीडिया अब इस क्वेश्चन में हमें आघार का रोल बताना है कि किसी भी कल्चर मीडिया में अघार का क्या रोल होता है अगार इज एन आइडियल सोलिडिफाइंग एजेंट्स यूज फॉर द कल्चर मीडिया अब बेसिकली अगार क्या होता है अगार एक जो है आइडियल सोलिडिफाइंग एजेंट है अब सोलिडिफाइंग एजेंट क्या होता है वो एजेंट वो कंपाउंड जो कि हमारा सोल्यूशन को कन्वर्ट कर देता है सॉलिड फॉर्म में ठीक है तो यहाँ पे हम जो आगार का यूज़ करते हैं कल्चर मीडिया में सिर्फ और सिर्फ सोलिडिफाइंग एजेंट के रूप में इट हैज़ नो न्यूट्रेटिव वैल्यू अब यहाँ पे हमारा अगार जो है उसकी कोई भी न्यूट्रेटिव वैल्यू नहीं होती है मतलब ये जो है हमारा किसी भी कल्चर मीडिया में न्यूट्रिशन के लिए यूज़ नहीं करा जाता ये सिर्फ और सिर्फ हमारा कल्चर मीडिया को सोलिडिफाई करने के लिए यूज़ करा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वट आर रोडक प्लेट अब इस क्वेश्चन में हमें रोडक प्लेट के बारे में बताना है कि रोडक प्लेट होता क्या है रोडक स्टैंड फॉर रेप्लिकेट ऑर्गेनिज्म डिटेक्शन एंड काउंटिंग तो इस तरीके से हमारा रोडक की फुल फॉर्म होती है रोडक प्लेट बेसिकली एक तरीके की कल्चर प्लेट होती है जिसको हम यूज़ करते हैं सरफेस सैंपल टेस्टिंग के लिए इट इज़ यूजली यूज फॉर सरफेस सैंपल टेस्टिंग वही हमारा बता रखा है कि बेसिकली ये एक तरीके की कल्चर प्लेट होती है जिसको हम यूज़ करते हैं सरफेस सैंपल टेस्टिंग के लिए तो इस क्वेश्चन में पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हुए थे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए नया था तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ नहीं होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द इंक्यूबेशन कंडीशन फ़ॉर सेल कल्चर अब इस क्वेश्चन में हमें इंक्यूबेशन कंडीशन के बारे में बताना है कि सेल कल्चरिंग करने के दौरान हमें कौन कौन सी इंक्यूबेशन कंडीशन मैंटेन रखनी है अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की तो टेम्परेचर हमें रखना है थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन होनी चाहिए फाइव परसेंट ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए हमारी नाइनटी फाइव परसेंट तो इस तरीके से हम जो है इनक्यूबेशन कंडीशन मेंटेन रखेंगे जिसकी वजह से हमारा सेल कल्चरिंग बहुत अच्छे से होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिस्ट आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पॉयलेज इन फार्मास्यूटिकल्स अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में कौन कौन सी अलग अलग तरीके की स्पॉयलेज होती है उनके हमें नाम लिखने हैं अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट आता है पैथोजेनिक स्पॉयलेज सेकेंड आता है हमारा फिजिको केमिकल स्पॉयलेज और थर्ड आता है हमारा ऑब्जर्वेबल स्पॉयलेज तो ये तीन तरीके की स्पॉयलेज होती है हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट आर नॉट ऑन ग्रेड बी रूम अब यहाँ पे हमें ग्रेड बी रूम के ऊपर एक नोट लिखना है ग्रेड बी रूम अ जोन फॉर असेप्टिक प्रिपरेशन फिलिंग एंड कंपाउंडिंग बेसिकली ग्रेड बी रूम एक तरीके का जोन होता है जिसमें हम जो है असेप्टिक प्रिपरेशन कर सकते हैं फिलिंग कर सकते हैं और कंपाउंडिंग कर सकते हैं इट्स इकोवेलन टू आई एस ओ क्लास फाइव एट रेस्ट कंडीशन एंड आई एस ओ क्लास सेवन इन ऑपरेशन कंडीशन अब हमारा ये पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा ग्रेड बी है वो हमारा रेस्ट कंडीशन में आई एस ओ क्लास फाइव के इक्वल होता है और हमारा ऑपरेशन कंडीशन में आई एस ओ क्लास सेवन के इक्वल होता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बायो इंडिकेटर्स फॉर थर्मल स्टिलइजेशन अब इस क्वेश्चन में हमें बायो इंडिकेटर्स के बारे में बताना है जो कि हम यूज़ करते हैं थर्मल इस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं थर्मल स्ट्रलाइजेशन प्रोसेस की तो थर्मल स्ट्रेलाइजेशन प्रोसेस में दो मेथड्स आते हैं पहला आता है हमारा ड्राई हीट इस्टेलाइजेशन और दूसरा आता है हमारा मॉइस्ट हीट इस्टेलाइजेशन अब ड्राई हीट इस्टलाइजेशन और मॉइस्ट हीट इस्टेलाइजेशन दोनों ही हमारा जो है सिमिलर मैथड्स हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम चेंज होगा चलिए दोनों को एक एक बार समझ लेते हैं अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं ड्राई हीट स्टिलइजेशन की ड्राई हीट स्टिलइजेशन में हमारा प्रिंसिपल आ जाता है टेम्परेचर सेंसिटिव माइक्रोब्स तो यहाँ पे हम जो है टेम्परेचर सेंसिटिव माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं एज अ स्टेलिटी इंडिकेटर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम कौन सा होगा हमारा टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम हमारा ड्राई हीट स्टिलइजेशन के केस में होगा हमारा बेसिलस सब पैरामीटर्स की बात करें तो यहाँ पर हम डी वैल्यू के थ्रू यहाँ पर स्टेलिटी टेस्टिंग करते हैं वहीं अगर हम बात करें मॉइस्ट हीट इस्टेलाइजेशन की तो मॉइस्ट हीट इस्टलाइजेशन में हमारा प्रिंसिपल और पैरामीटर्स दोनों ही हमारे सेम रहेंगे जैसा हमारा ड्राई हीट स्टेलाइजेशन में था सिर्फ़ हमारा यहाँ पे चेंज कौन सा होगा हमारा टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे हम जो है सबस्टाइलिस की जगह हम बेसिलस इस्टीरियो थर्मोफाइलस यूज़ करते हैं एज अ टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो इस तरीके से हम बायो इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं थर्मल इस्टेलाइजेशन प्रोसेस के लिए तो चलिए गाइस इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर हो जाता है कंप्लीट और इस लेक्चर में आज हमने फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के 50 से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को आप सभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट और हैंड रिटन फॉर्म में डिस्कस कर लिया है अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजिली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इसी चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस फाइव फाइव ई के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे और जिन भी स्टूडेंट्स को फार्मासी रिलेटेड नोट्स प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की एफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आकर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा